हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोकरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीटीडी का क्वेश्चन बैंक जो कि हमारे ऐप में अवेलेबल है। बच्चों को जो दिक्कत आ रही थी कि सर इतना बड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट जीटीडी जैसा जिसमें जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हालांकि आपको पता है कि ये पहला स्कीम में क्या था, जनरेशन अलग था, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइंड था, अभी ये तीनों एक साथ है तो तीनों को एक साथ कैसे पढ़े, थियोरी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन बैंक तो जरूरी है सर प्लीज, मैंने मैसेजेस देखे हैं बच्चों एंड उसी के वजह से मैं यहां खड़ा हूं जीटीडी का क्वेश्चन बैंक लेके आपके लिए। अभी इंपॉर्टेंस आप जानते हो, कैसा करना है, प्ले स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में जाना है और वहां पे तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर बच्चों क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक के लिए ऑब्वियसली सर्च नेम, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, जीटीडी उसका शॉर्ट फॉर्म डाल दीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट मिलने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कंटेंट में जाइए, यू विल गेट योर क्वेश्चन बैंक रेडी फॉर स्टडी। पूरा क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन बैंक करके यहाँ पे मैंने उसको सेव किया है। यस यू कैन ऑब्जर्व दिस, सो दिस इज अ क्वेश्चन बैंक ऑफ जीटीडी, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन सर सोल्यूशन भी है, इसके अंदर सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे और इसलिए हम कहते हैं कि डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स एंड देन परचेज द कोर्स जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएगा, वैरायटीज ऑफ बेनिफिट्स आएंगे और थ्योरी सब्जेक्ट है भाई, इसमें चांस लेना ही नहीं है, मार्क्स आउट ऑफ आने चाहिए और उस हिसाब से ही इसको डिजाइन किया है और वैसा ही सॉल्यूशंस आपको दिया है, सिस्टमैटिक जितना चाहिए उतना ही सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। बच्चों एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है ना, एमएसबीटी के जो भी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है सब पब्लिकेशन, टेक्निकल हो, निराली हो, जो भी हो, वो ना बहुत वास्ट दे देते हैं और इसलिए ना आपको वहां पे सॉल्यूशंस लेंथी लगता है, आपको लगता है कितना पढ़ो, तो उस हिसाब से ये सब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। 12 साल का अनुभव यूज करके, 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यूज करके यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक बनाया है और उसके सॉल्यूशंस आपको इन डिटेल हर चैप्टर के अंदर आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर में मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने के लिए बस। आइए देखते हैं क्वेश्चन बैंक के स्कीम्स आपका है फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 3131343 एंड देन कोर्स जीटीडी आपका है सेम 3EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट इज अ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 आपको जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ऐसे अगेन डिवाइड किए हैं, सब क्वेश्चन बैंक में मैंने वैसे ही किया है, यहाँ पे भी वही है। स्ट्रेट 82 एडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मैं हर वीडियो में वही बताता हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देखो कैसा ना, थियरी क्वेश्चन अगर पूछा है तो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट वहां पे आपके आने ही चाहिए। कोई कोई क्वेश्चन के आंसर सब फिर कुछ स्टूडेंट पूछता है नहीं सर इसमें तो 5-6, अरे कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, उसे 5-6 पॉइंट लिखोगे तो ही 2 मार्क्स मिलेगा, बट ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना आपको, यानी कि कौन सा सॉल्व करना है। जब एक क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो उसका दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर लेंथी नहीं है, यानी यू शुड नो विच वन टू सिलेक्ट एंड देन यू विल गेट 2 मार्क्स प्रॉपरली और आपका टाइम भी वहां पे ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है। इसलिए कैसा है ना, बोलता है ना कि सब आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आ रहा है उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, यानी उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जिसको आता है ना वो प्रॉपरली आंसर लिख सकता है क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, और इसलिए ये भी सब मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसी लिए दिए हैं। एक बार गो थ्रू कर लोगे ना सब क्वेश्चन तो आपको इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स फिर इसमें कितना लिखना है, सब सॉल्यूशंस प्रॉपर आपको वहां पे दिए हुए हैं। स्टेट 82 एडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, अभी बहुत सारे एडवांटेजेस दिए हैं। लिस्ट 82 थर्मल पावर स्टेशन हाइड्रो पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र विद देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसका भी आंसर प्रॉपरली दिया है, बहुत सारे हैं ऐसे पावर प्लांट्स। Define renewable and non-renewable energy sources. State one example is state the function of coal and handling unit, economizer, superheater in thermal power plant. अभी ये open करके आपको दिखाता हूँ इसका जो भी, अभी देखो site selection, ये question तो बहुत important है बच्चों, ये selection का जो question है ना हर power plant में पूछेंगे आपको, यानी
एक उसमें से पूछेंगे ही पूछेंगे, थर्मल हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, दो पावर प्लांट आपको है तो उसमें से एक साइट सिलेक्शन तो आना ही है कन्फर्म, पकड़ लो। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेट द गवर्निंग फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, राइट। वर्किंग ऑफ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट को ही स्टीम पावर प्लांट भी बोला जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर वैसा वर्ड वहां पे यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे आपको जाना है वहां पे। यस, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐप में लेक्चर्स के पास, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है आपको वहां पे मिलने वाले हैं, क्वेश्चन के आंसर्स, जैसे यूनिट नंबर वन मैंने ओपन किया, यूनिट नंबर वन में बच्चों, यस देखो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। देन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जनरल ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे मिलेगा। देन लेक्चर नंबर थ्री आपका कोल सिस्टम, यानी ये आपको जो चाहिए था यहाँ पे, लेक्चर नंबर टू और थ्री का फाइल एक साथ कंबाइन किया है। तो देखो जो सिनेरियो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में है उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, इफ यू विल गो थ्रू इट। ये देखो जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन है, तो ये जनरल है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा है। आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, तो आपको पूछा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो ये प्रिंसिपल एकदम प्रॉपर वे में, फ्लो चार्ट वे में यहाँ पे मैंने देने का ट्राई किया है। देन यू कैन ऑब्जर्व साइट सिलेक्शन ऑफ कोल सिस्टम थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, जो मैंने कहा साइट सिलेक्शन का क्वेश्चन पूछते हैं, तो दो मार्क्स या फिर चार मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो चार मार्क्स के लिए पूछा तो मोर देन एट पॉइंट्स वहां पे आपको रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये हो गया आपका। अभी हम लेआउट के पास जाते हैं, लेआउट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट का लेआउट। देखो ये वाला जो आपका, यस कमिंग टू दिस पॉइंट, देखो सच एन ब्यूटीफुल डायग्राम। ड्रॉ करने में मेहनत बहुत लगती है बच्चों, बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशंस ऐसे ही नहीं दिए हुआ है उठा के। ओके, एवरीथिंग लेआउट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज रेडी फॉर यू। तो ये लेआउट ब्यूटीफुल दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखो कितना इजी होगा। वर्किंग यहाँ पे दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, तो उसमें आपको लेआउट ड्रॉ करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, इसलिए बच्चों को ना ये अगर पूछा तो मैं कहता हूँ कि दूसरा कोई ऑप्शन में रहेगा तो उसको करो, क्योंकि ऐसा लेंथी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट भी करोगे तो भी थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसमें अलग क्वेश्चन क्या पूछता है, सर्किट डायग्राम, इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो, तो ये पूरा आपको ड्रॉ करना होता है। ये हो गया वर्किंग इसका। उसके बाद ये जो यूनिट्स अलग अलग, देखो आपको पूछा है अभी उस क्वेश्चन में कोल हैंडलिंग यूनिट, तो सिर्फ कोल हैंडलिंग यूनिट के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, तो फ्यूल एंड ऐश सर्किट हो गया, एयर एंड गैस सर्किट हो गया, सो एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल, राइट। ये देखो ये फीड एंड फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट आपका आ जाता है, जिसमें आपका हर एक जो इवेपोरेटर है, इकोनोमाइजर है, इसका यूज पूछते हैं एक मार्क्स के लिए, एक एक मार्क्स के लिए उसका यूज पूछा जाता है, देखो सुपर हीटर क्या होता है। ओके, सो देन कूलिंग वाटर सर्किट, जो आपके पूरे सर्किट्स है वो तो एक्सप्लेन किए ही हुए हैं, नो डाउट, बट एज वेल एज डेफिनेशंस भी इसमें कवर अप किए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पीडीएफ, अगर हम देखें नेक्स्ट पीडीएफ में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो जितना हो सके मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा इस वीडियो में दिखाने के लिए कि कैसे सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है, बट बहुत सारे तो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, जितना पॉसिबल है उतना हम जरूर दिखाएंगे, राइट। उसके बाद आपका ये देखो नेक्स्ट वाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी साइट सिलेक्शन आपको पूछते हैं, एंड इसमें आपको बेसिकली देखो जैसे एक फॉर एग्जाम्पल दिस लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट ड्रॉ कीजिए, दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट। देन यू कैन से वर्किंग ऑफ दैट, सो वर्किंग इज गिवन इन अ प्रॉपर वे, रिजर्वर डैम, देन यू हैव अ ट्रैश ट्रैक, फोर बे सर्च टैंक होता है, क्यों होता है, पेन स्टॉक क्यों होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अ प्रॉपर मैनर, देर इज नो डाउट अबाउट इट। सॉल्यूशंस बहुत अच्छे है, और ऑब्वियसली कम टू द क्वेश्चन बैंक अगेन, क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं। अभी देखो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन इज ऑल अबाउट द थर्मल पावर प्लांट, राइट। एंड सेकंड जो चैप्टर है, फर्स्ट में थर्मल एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक दो कवर किए गए हैं, एंड सेकंड में इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, यानी कैसा है ना, ये जो स्टार्टिंग वाले यूनिट है ये जनरेशन के है, और एंड फिर ट्रांसमिशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसलिए इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन यानी अबाउट द पावर जनरेशन, ये इकोनॉमिकल कैसा, उसका इकोनॉमिक्स कैसा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है। तो ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस और टर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डिफाइन ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट,
तो अभी सपोज हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट, ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट का आंसर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट। ओके वेट फॉर द मोमेंट, ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट बच्चों, यस चैप्टर नंबर टू में आपको मिलेगा ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट। ओके वेट वेट वेट, ओके समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू ओपन अप द फाइल, बट डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, थोड़ा सा टाइम बच्चों लगता है यहाँ पे। यूनिट नंबर टू में जाएंगे हम यहाँ पे, उसके बाद यूनिट नंबर टू में आपको देखना है ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कभी कभी अंदर रहता है कॉन्सेप्ट, डाइवर्सिटी फैक्टर, हर एक फैक्टर इसमें है बच्चों। यूनिट नंबर टू में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ब्लैकआउट एंड ब्राउन आउट। ओके सो यहाँ पे शायद इस पीडीएफ में वो है, सो यू हैव टू फाइंड इट आउट। थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट वो जब आपको मिलेगा तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो देखो इंपैक्ट ऑफ एलिवेटर सिस्टम, इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्ट, यस ये देखो ब्राउन आउट का पूरा इन डिटेल दिया है। दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ना आपको। तो ब्राउन आउट क्या होता है, व्हेन देयर इज अ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल ड्रॉप इन द सप्लाई वोल्टेज इट इज कॉल्ड एज अ ब्राउन आउट। तो ये प्रॉपर एकदम डेफिनेशन के सहित दिया हुआ है, डेफिनेशन और उसका मीनिंग। उसके बाद जो ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट भी इसमें ही दिया आपको। देखो ब्राउन आउट, इट इज कॉल्ड एज अ ब्राउन आउट इन इंटेंशनल सप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस टू प्रिवेंट द ब्लैकआउट। तो कैसा है ब्राउन आउट और ब्लैकआउट दोनों एक साथ आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो ये आपका ब्राउन आउट हो गया, सॉरी ये ब्राउन आउट हो गया, ब्लैकआउट थोड़ा अलग पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो कैसा है कि जैसे जैसे जिस जिस पीडीएफ में आपको जो जो चीजें दी हुई है वो सिर्फ ढूंढना, उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी नो डाउट, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्यूशंस में मिलेगा, दैट इज आवर गारंटी। देखो कंपेयर बेस लोड प्लांट विद पीक लोड प्लांट, वैसे कंपैरिजंस भी आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन याद रखो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन थियरी ही करो, पूरे के पूरे थियरी क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स मेरा कहना है करो ही मत, न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, थियरी क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछे ही नहीं जाते। तो इसलिए क्या है जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए उतने भी किया तो भी आउट ऑफ आ सकते हैं, इतना पावरफुल क्वेश्चन बैंक बनाया है हमने। तो नो डाउट उतना कॉन्फिडेंस हम में है तो आपको वो हम दे रहे हैं उतना। ये डेफिनेशन देखो इसमें से है ना कन्फर्म हर साल हर सेमेस्टर में दो डेफिनेशन पूछते ही है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंड देन ये न्यूमेरिकल्स का दो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट न्यूमेरिकल जनरली अवॉइड ही करो क्योंकि सब थियरी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शंस में होता है, थियरी जल्दी लिख के होता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल थोड़े बड़े है लेंदी है। देन ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस, ये 16 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, 2 मार्क्स क्वेश्चंस इसमें, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम जो है ना उसका मीनिंग लिखना है सिर्फ क्या होता है। सो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कैसे ये करता है उसको एक्सप्लेन करना है। जनरली ये क्वेश्चन नहीं, उसके जगह सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको पूछा जाता है ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो ये जो आपका सिंगल लाइन डायग्राम है ना इसको, इसका क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कम टू दिस बैक स्टेज। सो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर टू, अभी चैप्टर नंबर थ्री के पास हम जा रहे हैं राइट। तो यूनिट नंबर थ्री जो है दिस इज नथिंग बट यस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी आपका यूनिट नंबर थ्री हमने ओपन किया है यस yes. देखो अभी इसमें हमारा जो सिंगल लाइन डायग्राम है दैट यू कैन ऑब्जर्व, यस सो दिस इज सिंगल लाइन डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ इन दैट केस। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। तो सिंगल लाइन डायग्राम का क्वेश्चन इतना आपको ड्रॉ करने के बाद 4 मार्क्स मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंगल लाइन डायग्राम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो आपको अंडरस्टैंड करना है।
ऑब्वियसली जनरेशन होता है बच्चों 11 किलो वोल्ट, हमारे पता है आपके पावर प्लांट्स में जनरेशन 11 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट बहुत सारे जगह पे, लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड है 11 किलो वोल्ट, तो उसको जनरेट करके हम स्टेप अप करते हैं हायर वोल्टेज पर, क्योंकि लॉसेस कम हो जाते हैं उससे, एंड उसके वजह से हमारा कंडक्टर साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है, एंड देन वी ट्रांसमिट इट इन टू फेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये दो फेजेस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के दो फेजेस है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो वोल्टेज है वो स्टेप अप होके हमें मिलेगा। हमारे घर में कितना आता है 230 वोल्ट, और यहाँ पे तो कितना बहुत बड़ा हायर वोल्टेज है। स्टैंडर्ड लेवल्स ऑफ ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, वो भी यहाँ पे हर सॉल्यूशन में मैंने दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे आता है फीडर के पास, तो ये लोड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर यहाँ पे हमें पहुंचता है सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई। और जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उसको तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन का यही लेवल चाहिए होता है, जो आपका 15 किलो वोल्ट का वगैरह लेवल है, वो 11 किलो वोल्ट का सबस्टेशन डायरेक्टली उनका होता है, खुद का सबस्टेशन होता है। हमारे रेसिडेंशियल जोन का अलग से सबस्टेशन होता है एरिया वाइज, बट उनका खुद का होता है। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो दिस सिंगल लाइन डायग्राम एक्सप्लेन्स द एग्जैक्ट ओवरव्यू हाउ एग्जैक्टली योर पावर सिस्टम फ्लोज, हाउ योर पावर फ्लोज, एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बैक स्टेज में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक के पास फिर से जाएंगे, क्वेश्चन बैंक के पास जाते हैं। यस ओके, देखो बहुत सारी चीजें, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, देन यू हैव एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ईएचवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों ये। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन स्टेट 4 ट्रांसमिशन लाइन रूट ऑन इंडिया विद देयर हायर वोल्टेज लेवल। वायरलेस ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। स्टेट द टाइप्स ऑफ पैक्स विद टू एग्जांपल्स, एडवांटेजेस ऑफ एचटीएलएस कंडक्टर्स। देन 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें लिमिटेशंस है ईएचवी एसी के। देन यू हैव ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंपोनेंट्स तो है ही, नो डाउट कंपोनेंट्स और सिंबल उसके, ये इंपॉर्टेंट है, बट एज वेल एज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मोनोपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, मोनोपोलर बाइपोलर एंड होमोपोलर, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके सो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यानी दो दो मार्क्स, ड्रॉ के लिए दो और एक्सप्लेन के लिए दो, ऐसा डिविजन होता है इसमें। उसके बाद देखो बाइपोलर का भी क्वेश्चन है। फेरेंट इफेक्ट एंड कोरोना इफेक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। देखो फेरेंट इफेक्ट एंड कोरोना इफेक्ट चैप्टर नंबर 4 है आपका, राइट, चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे हमारे कोरोना इफेक्ट एंड फेरेंट इफेक्ट को। यस लेट अस गो टू द चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। यस ओके okay. यस yes. देखो चैप्टर नंबर 4 में आपको यहाँ पे कोरोना इफेक्ट एंड फेरेंट इफेक्ट सब यानी अलग अलग इफेक्ट्स के लिए अलग अलग पीडीएफ यहाँ पे दिए हैं, वीडियोस अलग अलग हैं, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे। ये देखो ये आपका कोरोना इफेक्ट है विद अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, प्रैक्टिकली ये कैसे दिखता है, ऐसे बना के यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। कोरोना इफेक्ट व्हेन द टू कंडक्टर्स आर स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन देयर डायमीटर An AC voltage is gradually applied. A special stage is reached, जहाँ पे एक voltage reach होता है, special stage reach होती है, जहाँ पे at this stage the air surrounding the conductors, जहाँ पे air होता है conductors के around, ये conductors है उसके around जो air होता है ना, वो ionize हो जाता है, उसके ions बनते हैं, यानी वो conduction start कर देता है, यानी जो आपका ions है, वो बाहर उसके around बनता है conductor के, यानी conductor का area बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एक ग्लो दिखेगा, दैट इज अ फेंट पर्पल ग्लो अपीयर्स एंड ओजोन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज नोन एज अ कोरोना इफेक्ट। सो दिस इज अ कोरोना इफेक्ट दैट वी कैन ऑब्जर्व। इफेक्ट ऑफ कोरोना क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कोरोना क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देन उसके रिलेटेड जो डेफिनेशंस है उसको भी दिया हुआ है। फेरेंट इफेक्ट के पास आ जाते हैं। फेरेंट इफेक्ट में क्या हो जाता है, वीआर इज ग्रेटर देन वीएस, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या सोचोगे तो, रिसीविंग एंड वोल्टेज सप्लाई एंड वोल्टेज से ज्यादा, सप्लाई से ज्यादा बन जाता है, इसे कहते हैं फेरेंट इफेक्ट सिंपल वर्ड्स में। तो ये कॉजेस है आपके, कॉजेस ऑफ फेरेंट इफेक्ट, तो दो ही चीजें यहाँ पे हैं। अभी फेरेंट इफेक्ट को तो डायग्राम से दिखा नहीं सकते ना, उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे दो टाइप के इफेक्ट्स यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन बैंक के पास बच्चों। तो क्वेश्चन बैंक में ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंपोनेंट्स पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका आपको इन डिटेल यहाँ पे मिलेगा। एवरीथिंग हर एक पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ उसका जितना रिक्वायर्ड है। देखो
यूनिट नंबर 5 हमारा जो है उसमें आप देख पाओगे। यस, कम टू द यूनिट नंबर 5। यस, देखो इन यूनिट नंबर 5 फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सिंगल लाइन डायग्राम चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, राइट। सो वो यहां पे आपको मिलेगा सबसे पहला। यस, लेक्चर 1 में आपको वो मिलेगा। लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेनेशन यहां पे मिलेगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट यस व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंगल लाइन डायग्राम है ये, ओके। सो उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ करंट के ऊपर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्कीम ऑफ कनेक्शन, एवरीथिंग इज मेंशनड ओवर हियर, ओके। सो उसके बाद देखो बच्चों, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पीडीएफ, राइट। देन उसके बाद और भी बहुत सारे पीडीएफ है, जितना आपको दिखाया उतना कम है यहाँ पे। हम ट्राई करते हैं जितना हम पीडीएफ आपके लिए, मैं आपके लिए दिखा सकूं उतना मैं दिखाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पीडीएफ दिखा के कुछ नहीं है बच्चों, मेन चीज ये है कि मुझे ये कहना है कि सब सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इसके अंदर ही मिलने वाले हैं, आपको कहाँ पे अलग जगह नहीं जाना है। बट उसके लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप में जाके आपको उसको परचेस करना है, एंड देन यू विल गेट ऑल दिस खजाना, ऑल दिस सॉल्यूशंस दैट आर रेडी फॉर यू, एंड दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक उसी में है, तो क्वेश्चन बैंक तो फ्री है सबके लिए, क्वेश्चन बैंक सबके लिए फ्री है, बट क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस ही मेन खजाना है, ये तो सिर्फ बहाना है। क्वेश्चन बैंक तो क्या है, बहाना है। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि मार्क्स तो सबको मिलेंगे, लेकिन जो खजाना लूटेगा ना उसको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस मैंने कहा थ्योरी के बहुत ज्यादा दिए होते हैं, कितना लिखना है क्या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिखते बैठते हो, पेपर कंप्लीट नहीं होता, और उसकी वजह से बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो भी मार्क्स कम मिलता है, तो ये रीजन है। इसलिए कैसा है, सॉल्यूशंस प्रॉपर दिए हुए हैं, बाकी यहाँ वहां नहीं देखना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, सब एकदम प्रॉपर करके दिया है भाई। इतना अगर मेहनत किया है तो आपको सिर्फ पढ़ने का मेहनत करना है, उतना तो कर सकते हो ना। और देयरफोर बार बार बोलूंगा, आप डाउनलोड कीजिए तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप को, जाइए उसमें सब्जेक्ट मैंने WM का भी बनाया हुआ है, ECN का भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, ECN का भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आप जाइए सब्जेक्ट में, एंड अभी GTD का भी क्वेश्चन बैंक मैंने रिलीज कर रहा हूँ। सो वैसे ही करके मैं FPE का भी क्वेश्चन बैंक रिलीज करूंगा, बट फॉर दैट आप ये सब परचेस करना स्टार्ट कर दीजिए, तो थोड़ा सा हमें भी यहाँ पे सुकून मिलता है, एंड वी गेट गारंटी दैट माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग समथिंग। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे परचेस किया है, ये कोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बट मेरा कहना यह है कि जितना ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके उतना हम ट्राई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसका लाभ सबको होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक तो हम फ्री ही दे रहे हैं, उसमें नो डाउट कुछ भी नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशंस जो है उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप, एंड परचेस आवर कोर्सेस लाइक GTD, WM, वी हैव अ ECN ऑल्सो एंड FPE ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. We will meet in the next video with the next question. Thank you very much.